मैं हर दिन एक घंटे किताबें पढ़ता हूँ आई रीड बुक्स फॉर एन आर एवरी डे आई रीड बुक्स फॉर एन आर एवरी डे मैं हर दिन सुबह की धूप में थोड़ी देर बैठता हूँ आई सिट इन द मॉर्निंग सन लाइट फ़ॉर आ वाइल्ड एवरी डे आई सिट इन द मॉर्निंग सन लाइट फ़ॉर आ वाइल्ड एवरी डे मैं सप्ताह में एक बार अपने डॉक्टर से मिलने जाता हूँ I visit my doctor once a week. I visit my doctor once a week. हर चीज़ वैसी नहीं है जैसी लगती है Not everything is as it seems. Not everything is as it seems. मैं हर दिन अपने परिवार के साथ खाने का समय बिताता हूँ I spend meal time with my family every day. आई स्पेंड मील टाइम with माई फैमिली एवरी डे मैं हर शाम अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर चैट करता हूँ आई चैट with माई फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया एवरी इवनिंग आई चैट with माई फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया एवरी इवनिंग कभी कभी उत्तर सवाल में ही छिपा होता है समटाइम्स द आंसर लाइज इन द क्वेश्चन itself. सेल्फ the द आंसर लाइज इन द क्वेश्चन मैं रोज़ सुबह की शुरुआत एक हल्के नाश्ते से करता हूँ आई स्टार्ट माई मॉर्निंग विथ अ लाइट ब्रेकफास्ट एवरी डे आई स्टार्ट माई मॉर्निंग विथ अ लाइट ब्रेकफास्ट एवरी डे मैं दोपहर के भोजन के लिए घर का खाना लाता हूँ आई ब्रिंग होम मेड फूड फॉर लंच आई ब्रिंग होम मेड फूड फॉर लंच मैं दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करता हूँ आई स्टार्ट माई डे

मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ आई एम टायर्ड ऑफ़ मेकिंग यू अंडरस्टैंड आई एम टायर्ड ऑफ़ मेकिंग यू अंडरस्टैंड क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की वॉट वॉज द नीड टू टॉक टू हिम वॉट वॉज द नीड टू टॉक टू हिम तुम तो बड़े मतलबी निकले यू टर्नड आउट टू बी सो सेल्फिश तुम तो बड़े मतलबी निकले यू टर्न आउट टू बी सो सेल्फिश चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा कम वाट मे आई विल नेवर टॉक टू हिम कम वाट मे आई विल नेवर टॉक टू हिम क्या ज़रूरत थी उसे बुलाने की वॉट वॉज द नीड टू कॉल हिम क्या ज़रूरत थी उसे बुलाने की वॉट वॉज द नीड टू कॉल हिम तुम तो बड़े चालू निकले यू टर्न आउट टू बी सो क्लेवर तुम तो बड़े चालू निकले यू टर्नड आउट टू बी सो क्लेवर तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो वाई आर यू आफ्टर हर तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो वाई आर यू आफ्टर हर पैसे बचाने की आदत डाल लो गेट इं टू दैबिट ऑफ़ सेविंग मनी गेट इंटू द हैबिट ऑफ़ सेविंग मनी मेहनत करने की आदत डाल लो गेट इंटू द हैबिट ऑफ़ वर्किंग हार्ड गेट इं टू हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड तुम कितने देर में यहाँ आ सकते हो इन हाउ मच टाइम कैन यू कम हीयर इन हाउ मच टाइम कैन यू कम हीयर मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा आई हैवेंड आस्क फॉर एनी थिंग फ्रॉम यू टिल नाउ I haven't asked for anything from you till now. क्या तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है Are you running short of something? Are you running short of something? मुझे कहाँ ले जा रहे हो Where are you taking me? मुझे कहाँ ले जा रहे हो Where are you taking me? मुझे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है आई हैव नथिंग टू डू विथ योर मनी आई हैव नथिंग टू डू विथ योर मनी आगे से मुझसे झूठ मत बोलना फ्रॉम now ऑनवर्ड्स डोंट टेल अ लाई टू मी फ्रॉम now ऑनवर्ड्स डोंट टेल अ लाई टू मी मैं उसकी वजह से जा रहा हूँ आई एम गोइंग बिकॉज ऑफ हिम मैं उसकी वजह से जा रहा हूँ आई एम गोइंग बिकॉज ऑफ हिम मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ सकता हूँ आई कांट ब्रेक योर बिलीव आई कांट ब्रेक योर बिलीव उसे तुम्हारी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है ही हैज़ नथिंग टू डू विथ योर प्रॉब्लम्स ही हैज़ नथिंग टू डू विथ योर प्रॉब्लम्स मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है आई मे हैव टू लीव स्टडी मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है i may have to leave study कभी-कभी मेरे पापा मुझे बहुत डांटते हैं my father occasionally scold me a lot my father occasionally scold me a lot मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है i may have to sell my house i may have to sell my house अब उसे मक्खन लगाने का कोई फायदा नहीं है Now it is no use buttering her. Now it is no use buttering her. कभी-कभी वो मुझसे बात नहीं करती. She occasionally does not talk to me. She occasionally does not talk to me. अब किसी भी तरह बात को निपटाओ. Now settle the matter somehow. अब किसी तरह बात को निपटाओ. Now settle the matter somehow. मैं ही उसे समझा सकती हूँ इट्स ओनली मी हु कैन एक्सप्लेन हिम इट्स ओनली मी हु कैन एक्सप्लेन हिम उसने खाना खाने से मना कर दिया ही डिनाइड टू ईट फूड उसने खाना खाने से मना कर दिया ही डिनाइड टू ईट फूड वह बकवास में वक्त बर्बाद करता है ही वेस्ट हिज़ टाइम इन गॉशिपिंग ही वेस्ट हीज़ टाइम इन gossiping. अगर मैं अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूँ तो चलेगा इज इट ओके इफ़ आई पार्क माई कार हीयर इज़ इट ओके इफ़ आई पार्क माई कार हीयर तुम अपने खान पान पर ध्यान दो पे अटेंशन टू योर डाइट तुम अपने खान पान पर ध्यान दो पे अटेंशन टू योर डाइट पापा ने पैसे देने से मना कर दिया फ़ादर डिनाइट टू गिव मनी पापा ने पैसे देने से मना कर दिया फ़ादर डिनाइट टू गिव मनी अगर तुम वहाँ चले जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊँगा इफ़ यू गो देअर आई विल बी लेफ्ट अलोन इफ़ यू गो देयर आई विल बी लेफ्ट अलोन मैं घर पहुँच कर बताता हूँ आई विल टेल यू आफ्टर रीचिंग होम मैं घर पहुँच कर बताता हूँ आई विल टेल यू आफ्टर रीचिंग होम मैं पूछ कर बताता हूँ आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग मैं पूछ कर बताता हूँ आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग अभी तक तो सब ठीक है सो so फार everything इज़ गुड अभी तक तो सब ठीक है सो so फार everything इज़ गुड अगर वह यहाँ आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे इफ़ ही कम्स here वी विल वेलकम हिम इफ़ ही कम्स हीयर वी विल वेलकम हिम अब मैं अकेले ही काफ़ी हूँ नाव आई एम इनफ अलोन अब मैं अकेले ही काफ़ी हूँ नाव आई एम इनफ़ अलोन मुझे कुछ नया ट्राई करना है आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू मुझे कुछ नया ट्राई करना है आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू मैं अकेले ही उसके घर गया था आई वेंट टू हिज हाउस अलोन मैं अकेले ही उसके घर गया था आई वेंट टू हिज हाउस अलोन उसने वापस जाने का समय नहीं पूछा ही डिडेंट आस्क द टाइम ऑफ रिटर्न ही डिडेंट आस्क द टाइम ऑफ रिटर्न वह अक्सर रोती रहती है शी फ्रिक्वेंटली कीप्स ग्राइंग वह अक्सर रोती रहती है शी फ्रिक्वेंटली कीप्स क्राइंग आज का सीन क्या है वर्ड्स द प्लान फॉर टुडे आज का सीन क्या है वर्ड्स द प्लान फॉर टुडे वह अक्सर मुझसे बात करती है शी फ्रिक्वेंटली टॉक्स टू मी वह अक्सर मुझसे बात करती है शी फ्रिक्वेंटली टॉक्स टू मी क्या तुम्हें यह मुश्किल लगता है Do यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट क्या तुम्हें यह मुश्किल लगता है डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट मुझे अपना स्पेस चाहिए आई नीड माई ओन स्पेस मुझे अपना स्पेस चाहिए आई नीड माई ओन स्पेस यह चिंता का विषय है इट इज़ द टॉपिक ऑफ़ कंसर्न यह चिंता का विषय है It's द टॉपिक ऑफ़ कंसर्न कुछ भी हो सकता था एनी थिंग कुड हैव हैी थिंग कुड हैव हैपेंड मैं इंटरव्यू दे देकर थक गया हूँ आई एम टायर्ड ऑफ़ गिविंग इंटरव्यूज़ आई एम टायर्ड ऑफ़ गिविंग इंटरव्यूज़ लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू उसे गलत फहमी हो गई है शी हैज़ अस अंडरस्टैंडिंग उसे गलत फ़हमी हो गई है शी हैज़ आ मिसअंडरस्टैंडिंग यह बासी खाना है इट्स अ स्टेल फूड यह बासी खाना है इट्स अ स्टेल फूड वह निराशावादी इंसान है ही इज़ अ पिजमिस्टिक पर्सन वह निराशावादी इंसान है ही इज़ अ पिजमिस्टिक पर्सन क्या ज़रूरत थी वहाँ बैठने की वॉट वॉज द नेट टू सिट देयर क्या ज़रूरत थी वहाँ बैठने की वॉट वॉज द नेट टू सिट देयर तो तुमने पूछा क्यों वाई डिड यू आस्क देन तो तुमने पूछा क्यों वाई डिड यू आस्क देन वह मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रही थी She was watching you while talking to me. She was watching you while talking to me. मैं आपसे बहस करते करते थक गया हूँ I am tired of arguing with you. I am tired of arguing with you. मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुँचाने का नहीं था I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. मैं खाना खाते हुए फिल्म देख रहा हूँ आई एम वॉचिंग मूवी वाइल्ड ईटिंग फूड आई एम वॉचिंग मूवी वाइल्ड ईटिंग फूड तुम्हारा पढ़ना ना पढ़ना बराबर है योर स्टडिंग और नॉट स्टडिंग इज़ द सेम योर स्टडिंग और नॉट स्टडिंग इज़ द सेम मुझे बार बार तंग मत करो डोंट टीज मी अगेन एंड अगेन मुझे बार बार तंग मत करो डोंट टीज मी अगेन एंड अगेन अच्छा तो फिर एक काम करो तुम यहीं रुक जाओ ओके देन डू वन थिंग यू स्टे हियर ओनली ओके देन डू वन थिंग यू स्टे हियर ओनली मेरा मकसद आपको इंग्लिश सिखाना है माई एम इज़ टू टीच यू इंग्लिश माई एम इज़ टू टीच यू इंग्लिश चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है मेकिंग टी इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी मेकिंग टी इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी अब सोचते ही रहोगे क्या Now विल यू कीप थिंकिंग ओनली Now विल यू कीप थिंकिंग ओनली तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता नथिंग कैन be ऑफ बोथ ऑफ यू तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता नथिंग कैन be ऑफ बोथ ऑफ यू मुझे कुछ लोगों पर तरस आता है आई फील सॉरी फॉर सम पीपल आई फील सॉरी फ़ॉर सम पीपल ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है इट्स माई कंपल्शन टू गो टू ऑफिस इट्स माई कंपल्शन टू गो टू ऑफिस अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर अभी भी टाइम है मान जाओ देयर इज स्टिल टाइम एक्सेप्ट इट देयर इज स्टिल टाइम एक्सेप्ट इट तुम कहीं नहीं छुप सकते हो यू कैन हाइड नो वेयर तुम कहीं नहीं छुप सकते हो यू कैन हाइड नो वेयर हमारी दोस्ती सिर्फ़ नाम की दोस्ती नहीं है आवर फ्रेंडशिप इज़ नॉट जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंडशिप आवर फ्रेंडशिप इज़ नॉट जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंडशिप काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो यू हैव बिन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग यू हैव बिन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग हम उनके साथ काम करेंगे वी विल वर्क विथ डैम हम उनके साथ काम करेंगे वी विल वर्क विथ डैम मैं इस बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस वह इस समय ज़्यादा काम नहीं कर रहा है ही इज़ नॉट वर्किंग मच एट द मोमेंट ही इज़ नॉट वर्किंग मच एट द मोमेंट वादा रहा आप अंग्रेज़ी बोलेंगे बाई ऑल मीन्स यू विल स्पीक इंग्लिश बाई ऑल मीन्स यू विल स्पीक इंग्लिश वादा रहा मैं आपकी मदद करूँगा बाई ऑल मीन्स आई विल हेल्प यू बाई ऑल मीन्स आई विल हेल्प यू आप मुझसे किस बारे में पूछ रहे हो वॉट आर यू आस्किंग मी अबाउट आप मुझसे किस बारे में पूछ रहे हो वॉट आर यू आस्किंग मी अबाउट मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो आई नो यू आर प्रटेंडिंग टू बी हैप्पी आई नो यू आर प्रटेंडिंग टू बी हैप्पी वे मुझे कोई मौका नहीं देंगे दे वोंट गिव मी एनी चांस दे वोंट गिव मी एनी चांस हम समय पर पहुंच गए थे वी हैड अराइव्ड ऑन टाइम हम समय पर पहुंच गए थे वी हैड अराइव्ड ऑन टाइम उसके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ ऑन हीज सेंग आई हैव कम हीयर ऑन हीज सेंग आई हैव कम हीयर हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं वी ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड वी ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड इसे अपने दिमाग में बैठा लो फिक्स इट इन योर माइंड इसे अपने दिमाग में बैठा लो फिक्स इट इन योर माइंड बच्चा बनने की कोशिश मत करो डोंट ट्राई टू बी अ टॉडलर डोंट ट्राई टू बी अ टॉडलर दस बज गए वो अभी तक नहीं आई इट्स टेन ओ क्लॉक शी हैजेंट कम येट इट्स टेन ओ क्लॉक शी हैजेंट कम येट तुम्हारे कहने पर मैं चुप था ऑन योर सेइंग आई वॉज साइलेंट तुम्हारे कहने पर मैं चुप था ऑन योर सेंग आई वॉज साइलेंट जहाँ तक मुझे पता है मीटिंग मंडे को होगी एज़ फार एज़ आई नो द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे एज़ फार एज़ आई नो द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे जहाँ तक मुझे पता है तुम कल स्कूल नहीं गए थे एज़ फार एज़ आई नो यू डिडेंट गो टू स्कूल यस्टरडे एज़ फ़ार एज़ आई नो यू didn't गो टू स्कूल yesterday. बात बात पर चिल्लाओ मत डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर बात बात पर चिल्लाओ मत डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर वह फ़ोन चलाने में मग्न है ही इज़ engrossed इन यूजिंग फ़ोन वह फ़ोन चलाने में मग्न है ही इज़ engrossed इन यूजिंग फ़ोन तुम्हें बात बात पर रोना नहीं चाहिए यू शुडेंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर यू शुडेंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर अभी भी टाइम है पढ़ लो देअर इज स्टिल टाइम रीड इट देअर इज स्टिल टाइम स्टडी इट दोनों सेंटेंसेस सिचुएशन के हिसाब से सही होंगे मुझे लग रहा है कि कोई हमारे घर पर निगरानी रख रहा है आई थिंक समन इज़ कीपिंग एन आई ऑन आवर होम आई थिंक समवन इज कीपिंग एन आई ऑन आवर होम रात हो गई तुम यहाँ क्या कर रहे हो इट्स नाइट वॉट आर यू डूइंग हीय इट्स नाइट व्हाट आर यू डूइंग हीयर तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो यू आर जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड यू आर जस्ट आ सो कॉल्ड फ्रेंड सारा खेल पैसों का है इट्स ऑल अबाउट मनी मैं तुम पर किसी चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर एनी थिंग आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर एनी थिंग मैं आपको सच बताने वाला हूँ आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रुथ आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रुथ तुम हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा रहे हो वाई आर यू ब्लेमिंग मी फॉर एवरी थिंग Why are you blaming me for everything? यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है It is no use staying here. It is no use staying here. मैं ना तो तुम्हारे साथ हूँ ना तुम्हारे खिलाफ I am neither with you nor against you. I am neither with you nor against you. फ़िलहाल हमारी बातचीत बंद है We are not on talking terms currently. We are not on talking terms currently. मेरे पापा ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। My father denied to give me money. My father denied to give me money. मुझे उसके रुतबे की कोई परवाह नहीं है। I am not bothered about his reputation. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज रेपूटेशन तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो वाई डू यू टेल अ ल लाई सो मच तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो वाई डू यू टेल अ लाई सो मच क्या आप हमें अपनी कहानी बताएंगे विल यू टेल योर स्टोरी टू अस विल यू टेल योर स्टोरी टू अस सुबह जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी मैं पहले ही उससे कई बार पूछ चुका हूँ आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड हिम मल्टीपल टाइम्स आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड हिम मल्टीपल टाइम्स बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा मेकिंग एक्सक्यूजेज वेल्प मेकिंग एक्सक्यूजेस वेल्प ऐसा लगा जैसे कि वह नाखुश थी इट लुक्ड एज़ इफ़ शी वॉज अनहैप्पी इट लुक्ड एज इफ शी वॉज अनहैप्पी मुझे कोई क्यों तकलीफ़ होगी वुड आई हैव अ प्रॉब्लम मुझे क्यों कोई तकलीफ होगी वुड आई हैव अ प्रॉब्लम तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा यू विल नॉट गेट अनदर चांस यू विल नाट गेट अनदर चांस सच कहूँ तो मुझे ये पसंद नहीं टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक इट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक इट तालाब सूख गया है द पॉन्ड हैज़ ड्राइड अप तालाब सूख गया है द पॉन्ड हैज़ ड्राइड अप पहले वो अच्छे से बात किया करता था अर्लियर ही यूज टू टॉक डिसेंटली अर्लियर ही यूज़ टू टॉक डिसेंटली उससे बात करना एक बुरे सपने जैसा है टॉकिंग टू हिम इज़ लाइक अ नाइट मेयर टॉकिंग टू हिम इज़ लाइक अ नाइट मेयर वह हमेशा मेरा अपमान करती है शी ऑलवेज पुट्स मी डाउन वह हमेशा मेरा अपमान करती है She always puts me down. मैं नौकरी ना मिलने को लेकर निराश था. I was disappointed about not getting the job. I was disappointed about not getting the job. मैं किसी तरह ऑफिस पहुंचा हूं. I have somehow reached office. I have somehow reached office. कैसे कहूं कि मेरा फोन खो गया है? हाउ डू आई से दैट आई हैव लॉस्ड माई मोबाइल हाउ डू आई से दैट आई हैव लॉस्ड माई मोबाइल हम उनके सपने पूरे करेंगे वी विल फुलफिल देयर ड्रीम्स हम उनके सपने पूरे करेंगे वी विल फुलफिल देयर ड्रीम्स आज मेरा नहाने का मन नहीं कर रहा है आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ बाट टूडे आई डोंट फील लाइक टेकिंग अब टूडे जब तक तुम अपना सम्मान नहीं करोगे कोई और भी नहीं करेगा अनलेस यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ़ नो वन एल्स विल आइदर अनलेस यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ नो वन एल्स विल आइदर इन दस्तावेज़ों को अलमारी में रख दो कीप दिस डॉक्यूमेंट्स इन द कबर्ड कीप दिस डॉक्यूमेंट्स इन द कबर्ड आज मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा है आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ टी टुडे, आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ टी टुडे गलती से भी उसकी बात मत मानना डोंट लिसन टू हिम इवन बाई मिस्टेक डोंट लिसन टू हिम इवन बाई मिस्टेक एक बार बोलने में कुछ नहीं जाता नथिंग गोज इन सेइंग वंस नथिंग गोज इन सेंग वंस वो तुम्हें धमकी क्यों देता है Why does he threaten you? वो तुम्हें धमकी क्यों देता है? Why does he threaten you? क्या तुमने उससे कुछ कहा है? Have you said anything to her? Have you said anything to her? मुझे बस अभी ही उसके घर जाना है। I just want to go to her house now. I just want to go to her house now. गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना डोंट वियर माई क्लोथ्स इवन बाई मिस्टेक डोंट वियर माई क्लोथ्स इवन बाई मिस्टेक तुम हमारे गुनाहगार हो इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा यू आर आवर कल्प्रिट हिंस यू हैव टू लीव गलती से भी मेरा सामान मत छूना डोंट टच माई बिलोंगिंग्स इवन बाई मिस्टेक डोंट टच माई बिलोंगिंग्स इवन बाई मिस्टेक इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं मिलेगी यू विल नेवर बी फॉर गिवन फॉर दिस यू विल नेवर बी फॉर गिवन फॉर दिस तुम किसी से भी ऐसा कैसे कह सकते हो हाउ कैन यू से दैट टू एनीबडी हाउ कैन यू से दैट टू एनीबडी जो हो चुका मैं उसे नहीं बदल सकता I can't change what has happened. I can't change what has happened. यही समय है नई शुरुआत का It's time to make a new beginning. It's time to make a new beginning. तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे You will not do any such thing. तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे You will not do any such thing. वह इस्तीफ़ा देने वाला है मुझसे लिखवा कर ले लो ही इज़ गोइंग टू रिज़ाइन टेक माई वर्ड फॉर इट ही इज़ गोइंग टू रिज़ाइन टेक माई वर्ड फॉर इट मुझे आज ही कुछ पैसों की ज़रूरत है आई नीड सम मनी टू डे इट्स सेल्फ आई नीड सम मनी टू डे इट्स सेल्फ मेरी उससे कभी कभार मुलाकात होती है आई मीट हीम ओकेजनली आई मीट हीम ओकेजनली तुमने ये कहाँ से उठाई थी वेयर हैड यू पिक्ड इट फ्रॉम तुमने ये कहाँ से उठाया था वेयर हैड यू पिक्ड इट फ्रॉम तुम ये किससे करवाओगे फ्रॉम होम विल यू गेट दिस डन फ्रॉम होम विल यू गेट दिस डन ये मुझे समझदारी की बात नहीं लगती This doesn't seem rational to me.